बीजेपी के टिकट की बात देखो, अकाल लड़ोगे? ये दो चार पांच वाले हैं उस रंग में, जब तुम 17,000 से जीते थे। और आपने जब सारे हाथ खड़े कह दिया कि आजाद लड़ो, तो मैं छोड़ता हूँ बीजेपी पार्टी भर्ती जरूर करें। जमाना बदलता है अक्सर, मर्द ये है जो जमाने को बदल देते हैं। बदल दोगे ना? पक्की बात है। ये शहीदों की जनता पहले भी बदल चुकी है साथियों, इनको ये पता नहीं था। मैंने कहा था कि 10,000 कुर्सियां लगवा दो, इन्होंने ये 5-6,000 कुर्सी लगवाई। इतने व्यक्ति इधर, इतने इधर, इतने इधर दुकानों पर बैठे हुए हैं। ये 10,000 की भीड़, ये 36 एक जाति की नहीं, एक धर्म की नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी धर्मों की भीड़, सभी दो हलके की इज्जत के लिए, सभी दो की पगड़ी को जिनने ठोकर मारी है, हरियाणा के 90 हलके, 89 हलकों पर इन्होंने ध्यान दिया है। इस हलके तक आते आते वो गिनती भूल गए कि सफेद हलका भी कोई हलका है। अपने इज्जत के लिए और अपने इंसाफ के लिए, इंसाफ मंच के नीचे जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी और ये सभी, अशफाक उल्ला खां, 36 बिरादरी के जो अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं, आज शहीदों की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए शहीदों हल्के के शहर मंडी और भातर गांव की इज्जत को जिन्होंने ठोकर मारी है, उनको सबक सिखाने के लिए आज ये 10-12,000 का समूह दुकानें भरी हुई है, पीछे तक अपने ट्रैक्टरों से सारी मंडी भरी हुई है। व्यापारी वर्ग से लेकर के मजदूर वर्ग, दुकानदार, हर संप्रदाय और धर्म के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। साथियों, जब जब भी आपको छोड़ने छेड़ने की किसी ने कोशिश की है, इसी तरह से सच्चे सुच्चे और इज्जत वाले लोग
ऐसे ही इकट्ठे हुआ करते हैं। चौधरी वतन सिंह आर्य, चौधरी वतन सिंह आर्य। साथियों, मैंने अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया। ये पीली पगड़ी, ये पीले पटके, ये 2005 वाले हैं, उसी रंग पे जब तुम 17,000 से जीते थे। अब एक बात बताओ साथियों, ये इंसाफ जो बेइंसाफी हुई है, ये इंसाफ सम्मेलन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं भाई बीजेपी के टिकट की बात देखूं, अकजार लड़ोगे भाई? अगर आजाद लड़ाना हो तो सारे हाथ खड़े होके कह दो। घोषणा करता हूं कि दो बार इस बीजेपी पार्टी का आपने दो बार एमपी 5,500 से जिताया, सफेदों से। अब जो यहां से चुनाव पहले वाला भी जिताया मेरे साथियों ने, आप सब ने। मैं आज लोगों को तो इन्होंने रुला दिया, और आपने जब सारे हाथ खड़े कह दिया कि आजाद लड़ो, तो मैं आज छोड़ता हूँ बीजेपी पार्टी को। इसकी जरूरत नहीं बोले साथियों, आपके कहने से इंद्र देवता खुश हो गया। लंबी चौड़ी बात तो साथियों, अभी यहां से अभी यहां दिया कई हजार ट्रैक्टर, कई हजार अपने अपनी गाड़ियां लेकर के आए। और भाई आज तो क्रांति की बात है। शहीदों वाले के मन में भगत सिंह जी ने कहा था, ये सर फरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना जोर कितना बाजुए का दिल में है। चुनाव लड़ेंगे और 17 तारीख को सिटी पैलेस में दफ्तर का उद्घाटन होगा 17 तारीख को। और भाई दुनिया दूसरा 17 को वो अलीम का मौका पड़ा, यूक्रेन मिलने भी ऐसा फंस रहा, इसमें भी बाजने पर बहुत देर भाई पूछते हैं किसकी सरकार बनेगी, मगर कब फिर उड़ी जीत कर बड़ी सभा होगी। आप आजाद की सरकार बना लेंगे, किसी को मुख्यमंत्री Thank you.
कोई भी गलत अधिकारी आपके तरफ जाए नहीं फंसेगा। चाहे मंदिर और दुकानदार को कोई भी दुकान अगर फेरती मार गया तो घर से आज करा दूंगा उसी दुकान का बदला देंगे। भाई भगवान खराब नाम मुकाबले करने वाला नहीं रहेगा। अगर आपकी होगी इनके पैसों पर ठुकरा देना, इनकी शराब की फैक्ट्रियों से हर पर ठुकरा देना, ऐसा ऐसा काम कर दूंगा दसवीं फैल भी आठवीं फैल भी अगर आपका भाई कभी आपके दुख सुख से दूर नहीं रहेगा, न मैं ऐसा ले कभी भी न जात पात की बात करी है। मेरे लिए 36 बराबरी बराबर है, मेरा 500 के जारी करने वाला भी यही समझता हूँ कि जो पति से भी ज्यादा बढ़िया उसको मानता हूँ कि वो खून से पिता करके मेहनत करता है। अभी तो मैं थोड़ा जवान भी हूँ मगर मेरा खरीद सुना वो इसके बाद सुना आत्मा से कहता हूँ जब भी बात सुना जीत लो सारे लोग काट दो जो पृथ्वी का सराय किसी सलाह आदमी के सामने काम में बात करने वाले के सामने रुकड़ा मार अपनी दाल और देखा लेंगे सभी का विकास। मैंने देख लिया अपनी हाजिरी, मैंने देख लिया ये परिणाम जो 2005 में बने थे जब रेल कहने चला दिया धर्मपत्नी में अपने इलेक्शन को तुम लड़ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी रात भी मेरे मेरे परिवार मेरे बच्चों बेटे भतीजे भाई जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए जान लगा देंगे। सारी जवानी लागी 32-33 साल में अगर आपके भाई पे कोई दाग लगा हो किसी भी बात का आचरण का बेईमानी का ठगी का किसी भय का तो भाई जिले में गाड़ दियो कति पवित्र मन से डट का आपके साथ है। आप सारे लास्ट में मैं नॉमिनेशन करूंगा क्योंकि आपके कहने से मैं आजाद भरूंगा जो भी निशान मिलेगा क्योंकि निशान भी नए नए दे रखे हैं इन्होंने। ये बड़े राज हैं बीजेपी वाले मैंने देख लिया। मैं तो 15 सटाना चाहूँगा साथियों ने अपने आप ही पीला टांग दिया भाई तड़की मैंने अगले दिन मेरा बोझ तो लिया मानदार से 700 ग्राम तो मेरा वजन बढ़िया पाया इन कदों पूछे पूछे राख रहे थे इनकी ना तो कांग्रेसियों का भी रोला पड़ रहा बेचारों का इनका इनकी नहीं सरकार बनेगी ना बीजेपी वाला का भी रोला पड़ रहा इनकी नहीं बनेगी।
अपना बना लो, ये अपने आप आवेंगे। जरूरत होगी एक एमएलए जीता था, वह कौन सी स्टेट थी झारखंड में, उस पर की मधु कोड़ा पर न्यू वाले खरीदने की कोशिश की, नहीं खरीदा गया। उसमें मुख्यमंत्री बनाया था 1000 एमएलए, तो भाई हमने क्या कर रखा, इनका ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ अब मैं हूँ शास्त्र भी। अब यह बात काम कही होगा मुख्यमंत्री पर दिन दो तो थोड़ा साथ देने दूसरी पार्टी के लिए दिक्कत। मेरे को पता है कि इंद्र देवता खुश हो रहा, किसान की फसल यूं भी खुश हो करके किसान की फसल को जरूरत है, हम भेज रहे हैं और वो टिकट देने वाले एयर कंडीशन में बैठे हैं। इन बेचारे ने यूं नहीं पता कि सभ्यों में कौन से वार्ड में कौन एमसी है, गणे एमसी तो आज यूरिया रहे हैं, इन्हें यूं नहीं पता बरताना जुदाने में कौन सरपंच है, इन्हें यूं नहीं पता उड़ी कागजा में ही पन्ना पुरुष बना दे रहे हैं। अरे असली लड़ाई लड़ने वाले तो ये खड़े हैं, इंद्र देवता बरस रहा। अगर इनके ऊपर जो ये टिकट के दर्शन कराए इनका चार बूंद भी लगेगी ना, ये तो भाई दिल्ली के बड़े अस्पताल में दाखिल पाएंगे जो टिकट की बात। आप सारे कमरे हो दिन रात एक करेंगे, जिस गांव में अभी परसों से दौरे रखे जाएंगे, जिस गांव में पता है ये ना सोचने की एक आदमी को क्यों कहा वो पता देगा, उसी चौपाल में इकट्ठे हो जाना। ऐसे 10-10 गांव लोग जाएंगे, फिर मंडलों में रूस में जाएंगे। अगर कोई एक आधा न्यू कहे कुछ नहीं आ रही है वाला न्यू जान तेरे फिटे मुँह तेरी तो देखियो इनका मन दिखा एयर कंडीशन वाला दिखा, ये थोड़े दिन रह अभी अच्छा हजार वोट मुसलमान भाइयों के हैं। आज इन्होंने पगड़ी पर आई है, आज इन इस्लाम के मांग रहा सैकड़ों भाई सिख समाज के मैंने छोड़ा की वाह गुरु जी का खालसा करते हुए मन का क्या हो गया, मैंने सब दिखता है बड़े दुखी हो रहे थे, इसके तो गेट बंद है, ये व्यापारी दुखी, हमारा रविदासिया समाज दुखी, हमारी छत्तीस बिरादरी दुखी, धक्के खाते फिरे लोग भाई 3 महीने के भीतर भीतर इलेक्शन जीत के ये छोटी छोटी समस्याएं। इस पार्टी के लोग कहते थे कि पर्सनल काम ना करो, और किसके करें, पाकिस्तान में जाकर करें कि चीन वाले के जाकर करें। आर्य सदन में 24 घंटे मैं मेरा सारा परिवार हम वहीं पर मिलेंगे, वहीं पर अधिकारियों को बुला करके चाहे किसी की पेंशन की बात हो, चाहे किसी के एक मुद्दा नहीं कई मुद्दे, जब सीएम का दिए डिप्टी सीएम का नहीं मैंने कहा भाई मधु कोड़ा सीएम बने नहीं था, सीएम बना था जी, फिर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतने तो जवान हूँ रेल बना दो करूंगा, या 1000 करोड़ देंगे तो ठोकर मार दूंगा, मैं कभी बिका नहीं हूँ किसी पर, जैसा कुर्ता बड़ी चीज मांगेंगे भाई, देनी हो तो थारी सरकार बना दूं, भले अपने धंधे डिप्टी सीएम बन लो, मगर कल मैं बता दूंगा दूसरी पार्टी आ जाएगी बहुमत किसी का अंदा नहीं, सबकी घीसली कर रही है, तो बड़ी चीज मांगेंगे लेकर छोड़ देंगे, ये मेरा वादा मैंने दिखन लग गया। जिंदाबाद तो सात
साथियों, अभी आपने हाथ उठाए, अब एक हाथ और उठा लो, एक हाथ और मैं जब अटजूंगा रटकर नॉमिनेशन कर जाऊं। क्या भाई, मैं सारे भरोसे तुम क्यों मैं दोबारा एक बार होली थी बात, मगर एक तसल्ली नहीं हो रही। मैं एक बार जुबान दिया करो एक बार ले, फिर भी दो सर कर दो भाई, तुम चुनाव लड़ोगे ना खूब। बिल्कुल, बहुत बहुत मीडिया 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 आपको।